हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय एवी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल केक। जैसे कि मेरे व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं और भी केक की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूं, तो यहाँ पे आज जन्माष्टमी स्पेशल हंडी केक या फिर मटकी केक हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने स्पॉन्ज को पहले से ही बेक कर लिया था। ये वेनीला स्पॉन्ज है और वेनीला स्पॉन्ज की रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर शेयर की है। और भी प्रोफेशनली अगर आप स्पॉन्ज रेसिपी सीखना चाहते हो तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे शुगर वाटर से मैंने केक जो है स्पॉन्ज केक को अच्छे से सोक कर लिया और फिर यहाँ पे हमें जो व्हिप क्रीम है व्हिप करके रखी थी उसे इस पर अच्छे से अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला केक बना रही हूँ, इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी क्रश का इस्तेमाल करूँगी। आप जो भी फ्लेवर यहाँ पर बनाना चाहते हो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा लेयर हम ऐड कर देंगे और उसे भी शुगर वाटर से अच्छे से सोक कर लेंगे। यहाँ पे सोकिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे केक जो है वो मॉइस्ट बनता है। एंड फ्रेंड्स, इसी तरीके के मज़ेदार केक की रेसिपी देखने के लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, हल्के हाथों से यहाँ पे व्हिप क्रीम को सेकेंड लेयर पर भी अप्लाई करेंगे एंड देन जो स्ट्रॉबेरी क्रश है उसे यहाँ पर अप्लाई करना है। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट लेयर हम कट करते हैं टॉप की जो डोम शेप जैसे रहता है उसको हम पहले सोक करेंगे। यहाँ वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा और किस तरीके से लेयर आपको रखनी है। यहाँ पे इसे अच्छे से सोक कर लेना है और फिर उल्टी तरफ हमें इसे रखना है। नॉर्मली ये जो लेयर है हम डाउन साइड रखते हैं, इसे अब डोम शेप का बनाना है इसलिए अपर साइड रखा है। फिर से ऊपर की तरफ से भी थोड़ा सा सोक कर लेंगे और क्रीम को अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये शेप बनाने के लिए क्रीम ज़्यादा इस्तेमाल होती है। साइड्स को भी अच्छे से कवर कर लेंगे, जो भी पार्ट आपको स्पॉन्ज का दिख रहा हो उसे भी अच्छे से हमें कवर कर लेना है। अब ऊपर की तरफ पैलेट नाइफ की मदद से पूरा क्रीम हमें इकट्ठा कर लेना है, जैसे मैंने वीडियो में बताया उस तरीके से। क्रीम को अच्छी तरीके से अपर साइड में ले लेना है और फिर एक फाइल का टुकड़ा या फिर ऐसे शीट बेकिंग मटेरियल यहाँ पे मिलता है उस शॉप में आपको मिल जाएंगे। हल्के हाथों से टर्निंग टेबल को घुमाना है और क्रीम पे इसे हल्के हाथों से जो शीट है उसे रखना है और फिर घुमाते जाना है, इससे पॉट का शेप आ जाएगा या फिर डोम शेप अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो। अब ऊपर वाला जो पार्ट है उसे भी पैलेट नाइफ की मदद से एकदम लेवल कर लेंगे। यहाँ पे ये जो काम है थोड़ा सा फास्ट करना होता है ताकि क्रीम जो है वो फटे नहीं, वरना क्रीम जो है वो फटना स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा वाटर स्प्रे करना होता है, स्लाइटली वाटर स्प्रे करना हो जिससे क्रीम फटती नहीं है, उसमें बबल्स नहीं आते हैं। अब ऊपर की ओर थोड़ा सा शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने वीडियो में जैसे बताया वैसे थोड़ा सा सर्कल लाइन बना लेंगे और थोड़ा सा शेप दे देंगे प्रॉपर। यहाँ पे हमें हंडी का शेप देना है इसलिए इस तरीके से आप चाहे तो छोटा सा शीट को कट करके, शीट से ये आसानी से बन जाता है, और इसे हमें अच्छे से लेवल कर लेना है और मटकी का शेप दे देना है। अब इसे हमें कम से कम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। साइड्स को क्लीन कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसे डायरेक्टली आपको बेस पे ही बनाना है, टर्निंग टेबल पे नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में यहाँ पे पाइपिंग जेल लिया है या फिर ट्रांसपेरेंट जेल लिया है, इसमें हमें वाटर ऐड करना है 1 to 2 टीस्पून। आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी को चेक करके वाटर को ऐड कर लीजिएगा और फिर इसमें जो भी आपको कलर पसंद है उसे ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जितना कलर ऐड किया है, लिक्विड कलर। यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा लिक्विड ही होनी चाहिए और ना ज़्यादा थिक। अगर थिक होगी तो केक पे पूरी तरीके से चिपक जाएगा ये जो पाइपिंग जेल है वो, और ज़्यादा रनी होगा तो पूरी तरीके से नीचे आ जाएगा केक के ऊपर से। यहाँ पे परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनी हुई है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्लिटर ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो ग्लिटर ऐड कर सकते हो, ये एडिबल ग्लिटर से इसे हम खा सकते हैं। अब इसे हम पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे और पाइपिंग बैग को कट कर लेंगे
ऊपर की ओर से, और जैसे भी आप चाहे इसे स्प्रेड कर सकते हो। पाइपिंग बैग से अगर करोगे तो आसानी होगी। और फिर से जो शीट है, प्लास्टिक शीट जो फाइल आती है उसका शीट से हल्के हाथों से इसे स्प्रेड करना है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा डार्क कलर नहीं लिया है, मुझे थोड़ा सा शेडेड यहाँ पे कलर चाहिए था इसलिए। अगर आप थोड़ा सा डार्क करोगे तो ये जो व्हाइट क्रीम है वो नहीं दिखेगी। ऊपर की ओर मैं रेड जेल ऐड कर रही हूँ, सेम प्रोसेस जेल बनाने मैंने इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे माखन का हमें इफेक्ट देना है, तो पाइपिंग बैग को नॉर्मली कट किया है, थोड़ा सा ज़्यादा कट करना है और फिर प्रेस करते हुए माखन जैसे हमें यहाँ पे बना लेना है, और नीचे की ओर थोड़ा सा माखन दिखे इस तरीके से। आप जैसे भी पसंद करो वैसे डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। मैंने नीचे की ओर साइड्स को भी इसी तरीके से बिना नोज़ल के यहाँ पे डॉट्स बना लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसे और भी डेकोरेट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं गोल्डन कलर के, और फिर रेड कलर की व्हिप क्रीम से यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। एंड फ्रेंड्स, जन्माष्टमी स्पेशल मटकी केक बनके यहाँ पे तैयार है। इसे आपको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ये केक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और मैंने इसे अपने कन्हैया के लिए बनाया है। एंड फ्रेंड्स, एक और अनाउंसमेंट करना था कि अगर आपको कोई भी बेकिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे साथ संपर्क कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।